गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, हो मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। वो लिखने वाले, लिख दे नाम गुरु का, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, मेरे कानों में मेरे, जरा प्रेम से ताली बजाते हुए अपने हाथों को पावन करें सतगुरु के कीर्तन में नाम में, जरा प्रेम से आवाज आनी चाहिए ताली की। मेरे कानों में शब्द झनकार लिख दे, मेरे कानों में शब्द झनकार लिख दे, ओ मेरे हृदय सतगुरु का धन मन धन उन पे वार लिख दे,
एक मत लिखना गुरु का पिछड़ना, एक मत लिखना गुरु का पिछड़ना। गुरुदेव सदगुरु श्री क्षमादेव जी की उपकार को याद करके श्री कृष्ण भगवान कबीर देव की श्री मनकंपा से गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय सुखद प्रवचन के त्रिवेणी संगम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, गीता ज्ञान प्रचारक समिति मनावर को मैं धन्यवाद देता हूँ। समिति के अध्यक्ष श्री नाथू दादाजी, आयोजन के प्रमुख यजमान अभिषेक भंडारी, वर्षा भंडारी, सचिन भंडारी, सपना भंडारी, उनको भी शुभकामना करता हूँ।
प्रचार के क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करने वाले श्री मोतीराम कुशवाहा को भी आशीर्वाद देता हूँ। रमेश कुशवाहा जो कि मंच संचालन करते हैं, बहुत ही सरलता से सबको टैकल करते हैं, किसी का नाम लेने को भूल जाएं तो उसका दंड उनको मत देना, मुझको दे देना। सिंहस्थ कुंभ के भंडारा के लिए दान देने वाले दानदाताओं को व्यासगादी विशेष आशीर्वाद प्रदान कर रही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, देवी संपदा के लक्षण क्या है? जिन लक्षणों से इंसान देव श्रेणी में आ जाता है, नारियां देवी की पदवी पाती हैं, वो कौन कौन लक्षण है? देवी की पूजा करते करते देवी के गुण हमारे अंदर प्रवेश करें, पूजा सार्थक है। देवताओं की अर्चना वंदना करते करते फूल चढ़ाते चढ़ाते दैवीय गुण हमारे जीवन में प्रभाव दिखाने लग जाए तो समझना कि मंदिर जाना सार्थक। मंदिर में रहकर भी राक्षस जैसे अवगुण हमारे अंदर है, मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। मंदिर क्या करे? जब राक्षसी प्रवृत्ति मंदिर में प्रवेश करती है, सोमनाथ जैसे मंदिरों को भी वो तोड़ देती है। उसको मंदिर में भगवान नहीं दिखता है, क्योंकि युद्ध के भीतर शैतान काम कर रहा है। मंदिर में जाते जाते तुम्हारा मन भी मंदिर हो जाए, दिल देवालय हो जाए, तीर्थ में नहाते नहाते तन तीर्थ हो जाए, धर्म करते करते आपका हर कर्म भी धर्म बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन 26 लक्षण जिसमें होते हैं उसे देवी और देवता कहा जाता है। देवी देवता बनना बहुत कठिन नहीं है। यहां जितनी स्त्रियां बैठी हैं, कुछ स्त्रियां तो 50% देवी है, कुछ 25% है, कुछ 10% है, कुछ 70% भी है, और कुछ स्त्रियां पूर्ण देवी का रूप प्राप्त कर चुकी है। जो स्त्री देवी का रूप धारण करती है उसके घर के अंदर कलह कलेश धीरे धीरे कम होता चला जाता। बैठे हुए जो पुरुष लोग हैं, इनमें भी कुछ लोग देवता रूप है, कोई 80% देवता का स्वभाव प्राप्त कर चुका है, कोई 50%, कोई 25%, कोई 10%। जो जितना ज्यादा देवता के गुणों से प्रभावित है उसके जीवन में
उसके घर में, उसकी दुकान में, ऑफिस में, गाड़ी में उतनी अधिक पवित्रता, शुद्धता, सभ्यता, शालीनता, सौम्यता, नम्रता दिखाई देती है। देवी और देवता के गुण मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही पूजनीय बना देते हैं, वंदनीय बना देते हैं। कभी कभी आपके मन में होता है कि इस मनुष्य की मैं पूजा करूं, माला पहनाऊं, इनको तिलक लगाऊं, इनके चरण धोऊं, आरती वंदन करूं, ये क्या है? जिस तरह तुम्हारा हड्डी मांस पुतले का शरीर है वैसा उनका भी है, लेकिन याद रखना उनके शरीर में दैवी संपदा के गुणों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके कारण उनकी पूजा करने का मन होता है, फूल बरसाने का मन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं देवी संपदा का पहला लक्षण है अभयम, अभय हो जाओ, मृत्यु का भी भय न रहे। कितने लोगों को मृत्यु का बहुत भय है, बुढ़ापे का बहुत भय है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। बुढ़ापा, कितने लोग बीमारी से भयभीत हैं कि कहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी ना आ जाए। भविष्य की आशंका रखने वाले लोग भय से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं और भविष्य का किसी को पता भी नहीं रहता है। जिसका वर्तमान अच्छा है और जिसने अपने कर्मों को अति सुंदर बनाया है उसका भविष्य, उसका भाग्य, उसके आने वाले दिन अच्छे से अच्छे होते चले जाते हैं। मनुष्य का भाग्य बिगाड़ने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, तुम तुम्हारे कर्मों की गलती से ही अपने भाग्य को बिगाड़ते हो। और भाग्य कैसे बनता है आज तुमको मैं बता देता हूं। नंबर एक, तुम्हारे भाग्य के निर्माण स्वभाव के धरातल पर होता है। स्वभाव का प्रभाव भाग्य पर बहुत तेज पड़ता है। स्वभाव, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, नेचर, स्वभाव, स्वभाव से भाग्य बनता है। और स्वभाव की पूरी कमांड तुम्हारे हाथ में है, तुम स्वभाव को जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, पर स्वभाव को अच्छा बनाना भी बहुत कठिन है। स्वभाव अहंकार के प्रभाव में बिगड़ जाता है, क्रोध के प्रभाव में बिगड़ जाता है, लोभ लालच में बिगड़ जाता है, ईर्ष्या द्वेष के कारण भी बिगड़ जाता है। और जिसका स्वभाव बिगड़ गया धीरे धीरे उसका प्रभाव भी बिगड़ जाता है। स्वभाव का इतना महत्व है, इंपॉर्टेंट है लाइफ में स्वभाव। जिस राजनेता का स्वभाव अच्छा है जनता पे आसानी से प्रभाव अच्छा हो जाता है। यदि स्वभाव उसका आकड़ू है तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। और ये स्वभाव एक जैसा भी नहीं रहता है, परिवर्तन होता रहता है, चेंजिंग होती है इसमें। सुबह सुबह स्वभाव तुम्हारा बड़ा सुंदर था, प्रेम भरा हुआ था, दोपहर में स्वभाव बदल गया, शाम को फिर स्वभाव बदल गया, सोने से पहले फिर स्वभाव बदल गया। कितने लोग हर घंटे में अपने स्वभाव का नया नया रूप बनाकर पेश करते हैं।
उनको तुम क्लियर कह नहीं सकते इनका ऐसा स्वभाव है, तो उनको तुम फिर कहते हो ये गिरगिट है। गिरगिट एक कीड़ा होता है, छिपकली जैसा भागता है, वो जैसे रंग बदलता है, हर 5 मिनट में रंग बदल देता है, ऐसे कितने लोगों के स्वभाव का भी रंग बदलता रहता है। स्वभाव का अच्छा होना आपकी भाग्य को चमकाता है। दूसरा, वाणी जो तुम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो, वाणी से भाग्य निर्मित होता है। अगर आपकी वाणी संयमित है, नियमित है, वाणी मधुर है, वाणी हितैषी है, वाणी मितभाषी है और वाणी कल्याणकारी है, तो आपके भाग्य को चमका देगी। वाणी का बहुत बड़ा खेल है। भाग्य को अगर सुंदर बनाना है तो वाणी को सुधारिए। और तीसरी चीज आपके भाग्य के निर्माण में मदद करती है, उसका नाम है तुम्हारा चरित्र। चरित्र अगर बहुत सुंदर है तो कितनी ऊंचाइयों को छोगे तुम कह नहीं सकोगे, बहुत ऊंचे जाओगे। चरित्रवान होना, लाखों में एक चरित्रवान मिलता है। चरित्र से भी भाग्य बनता है। चरित्र खो गया भाग्य फूट जाता है। वाणी बिगड़ गई भाग्य खंडित हो जाता है। स्वभाव गड़बड़ा गया भाग्य का प्रभाव कम हो जाता है। और चौथी चीज है तुम्हारा रहन सहन। तुम कैसे रहते हो, तुम्हारी रहनी कैसी है, जीवन शैली कैसी है, तुम्हारा बैठना उठना खाना पीना रहन सहन, ये चीजें भी भाग्य को प्रभावित करती है। तुम सड़क किनारे खड़े खड़े यदि कुछ खा रहे हो या जहां बंदर बैठकर खा रहे हैं, एक तरफ बंदर खा रहा दूसरी तरफ तुम खा रहे हो, और ये रूप कोई देख लिया, आपके भाग्य का इंप्रेस कम हो जाएगा। किसके साथ बैठकर खाना है, किसके साथ में सोना है। गलत व्यक्ति के साथ में सो गए और जानकारी मिल गई लोगों, तुम्हारे भाग्य का प्रभाव कम हो जाएगा। किसके साथ में टहलना है, इसको कहते हैं जीवन की रहनी। फिर पांचवी चीज तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करती है, जिसका नाम है तुम्हारा कर्म। अब कर्म कैसा होगा, स्वभाव वाणी चरित्र और रहनी से कर्म प्रभावित होता है। और कर्म ही आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है, सुबह का कर्म दोपहर का भाग्य बन जाता है, इस जन्म का कर्म अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। भाग्य भगवान नहीं बनाता है, भगवान मनुष्य के लफड़े में फंसता ही नहीं है, भगवान ने हर मनुष्य को अपना अपना भाग्य बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। भगवान को दोष मत देना। कितने लोग भगवान को भी शिकायत पत्र पढ़कर सुनाते रहते हैं कि हे भगवान, तू भी सबको बराबर नहीं देखता है, तेरे मन के अंदर भी द्वेष भरा है, मुझे गरीब बनाया, पड़ोसी को अमीर बनाया,
उसके पास दो मकान, मेरे पास एक भी मकान नहीं। तुझे तो तेरे दरबार में सही बंटवारा करना चाहिए। एक उसको देता, दूसरा मुझको दे देता, बराबर हो जाता है। भगवान में भी कमी निकालने वाले धूर्त लोग संसार में। गीता प्रश्नोत्तरी के दिन पंडित जी बता रहे थे कि धूर्त, हमें तो वो शब्द आज तक मेरे मन में चल रहा, धूर्त। एक आदमी भगवान के कार्यों में संशोधन कर रहा था, तो कह रहा था भगवान ने दो आंखें एक ही जगह लगा दिया, कितनी बड़ी भूल है। एक बीच मस्तक में लगा देता, दूसरा पीछे लगा देता, दोनों तरफ देखते रहते। तो फिर मैंने कहा जब तुम सोते तो आंख दब के टूट जाती। अरे बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा तेरे तो संशोधन में अभी गलती निकल रही। तो बोला अच्छा ये बताओ, भगवान ने ये कान लगाए, ये ढक्कन जैसे कान किस काम की बताओ, इनका क्या काम है। मैंने कहा भगवान ने बहुत बड़ी व्यवस्था सोच कर किया है कि बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाएंगी तो चश्मा कहाँ रखोगे, तो चश्मा रखने का स्टैंड बना दिया है।